खतरनाक चक्रवाती तूफान रेमल पश्चिम बंगाल के कैनिंग और बांग्लादेश के मोंगला में 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया है। लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। तटीय इलाकों उत्तर और दक्षिण 24 परगना, पूर्वी मेदिनीपुर, दीघा, काकद्वीप, जयनगर, कोलकाता, हुगली और हावड़ा में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली और बारिश भी हुई। राजधानी कोलकाता में 100 से ज्यादा पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। सड़कों पर पानी भर गया। कोलकाता में घर की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। बांग्लादेश में भी तूफान का जबरदस्त असर दिखाई दिया है, जहां तूफान की वजह से 7 लोगों की मौत हो गई है। सरकार ने आपको बताया कि 1.5 करोड़ लोगों के घरों की बिजली काट दी। फिलहाल चक्रवाती तूफान रेमल कमजोर होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल गया है। अभी नॉर्थ ईस्ट की ओर 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, सिक्किम में इसका असर दिखेगा। ओडिशा, झारखंड और बिहार के कुछ इलाकों में 27 और 28 मई को बारिश होगी। ये कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हालांकि टकराने की वजह से ये चक्रवाती तूफान रेमल थोड़ा कमज़ोर ज़रूर हुआ है, लेकिन अन्य राज्यों में भी इसका असर दिखाई देने वाला है 27 और 28 तारीख को, यानी कि ना केवल पश्चिम बंगाल बल्कि झारखंड, बिहार, ओडिशा में भी इसका असर दिखाई देगा। और इस चक्रवाती तूफान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समीक्षा बैठक भी ली थी। उन्होंने जाना भी था इस तूफान से निपटने के लिए क्या तैयारी हमारी है, क्योंकि टीमों को तो पहले ही तैनात कर दिया गया था, लोगों को जागरूक किया गया था कि आप दूर रहिए समुद्र तट से। और साथ ही साथ जब ये टकराया रेमल, उसके बाद थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा, लेकिन तूफान की दस्तक से लोगों में दहशत जरूर नजर आई। कोलकाता शहर के कुछ हिस्सों में इसके साइड इफेक्ट देखने को मिले, बारिश भी हुई। कई जगह पर ऐसी भी खबरें आई जहां पर जनहानि भी हुई है, व्यक्ति की मौत की खबर भी मिली। छत गिरने की वजह से, घर की छत गिर गई और जिस वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।